अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंटर पार्ट वन मजमून सिलेबस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हुकूमत और उसका है सवाल नंबर 3 और पेज नंबर है 81। जैसा कि आप जानते हैं हमने कल भी हुकूमत के बारे में तो डिस्कस किया ही था, तो इसमें देखें सवाल नंबर है 3 और चैप्टर का नाम है हुकूमत और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है वफाकी तर्ज़ हुकूमत। तो आइए सबसे पहले वफाकी तर्ज़ हुकूमत के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत यानी फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। वफाकी तर्ज़ हुकूमत ऐसे निज़ाम को कहते हैं जिसमें आइन के तहत हुकूमत के अख्तियार को रियासत की मरकजी और इलाकाई हुकूमतों में तकसीम कर दिया जाता है। वफाकी हुकूमत को अंग्रेज़ी में फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ये लतीनी जबान के एक लफ्ज़ फेडरस से निकला है जिसका मतलब वादा या समझौता है। वह इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ आज़ाद रियासतें ही बामाइनी वादा के जरिए एक नई रियासत तश्कील देती हैं। इसमें डाइसी का कहना है, वफाक एक ऐसी सियासी तंजीम है जिसमें कौमी इतिहाद और अख्तियार को इलाकाई हकूक के साथ हम आहंग किया जाता है। तो चलें अब हम चलते हैं कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत से तो हम आगाह हो चुके हैं, यानी ये ऐसे निज़ाम को कहते हैं जिसमें आयन के तहत जो है हुकूमत के अख्तियार रियासत की मरकजी और इलाकाई हुकूमतों में उसको तकसीम कर दिया जाता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसको इंग्लिश में जो है इसके लिए वर्ड फेडरल गवर्नमेंट है और ये लतीनी जबान के लिए पसंद मिला है। तो आइए चले हम चलते हैं कि वफाकी तर्ज़ हुकूमत जो है इसकी खसूसियात क्या है। सबसे पहले अब हमें जो देखना है वो है इसके खसूसियात। तो चले आइए इसकी खसूसियात के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इसकी खसूसियात में इजाफे का बायस है। सबसे पहले हमारे पास खसूसियात में से है आयन की बढ़तरी। वफाकी हुकूमत में आयन को बढ़तरी और तकद्दस हासिल होता है। इसमें प्रोफेसर रेक का कहना है, अगर हुकूमत वफाकी होगी तो इसका आयन भी बढ़तर होगा। नेक्स्ट में हमारे पास है तकसीम अख्तियार। वफाकी हुकूमत में दो किस्म की हुकूमतें होती हैं, मरकजी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अख्तियार को आयन के तहत वाजह तौर पर तकसीम कर दिया जाता है। यानी दो किस्म की हुकूमत है, एक मरकजी और दूसरी सूबाई, और इनके दरमियान में अख्तियार को आयन के तहत वाजह तौर पर तकसीम कर दिया जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास है तहरीरी और उस्तवार आयन। वफाकी हुकूमत का आयन तहरीरी और अमूमन उस्तवार होता है। नेक्स्ट में हमारे पास है दो ऐवानी मुकदमा। वफाक में मरकजी मुकदमा दो ऐवानों पर मुश्तमिल होती है। ऐवान ज़ेनी में मुख्तलिफ इलाकों को आबादी की बुनियाद पर और ऐवान वाला में सूबों या अकालियों को मसावी नुमाइंदगी दी जाती है। अब नेक्स्ट में जो है देखिए यहाँ पर हमें ये चीज़ बताई जा रही है, तहरीरी और ये दो ऐवानी मुकदमा जो है, यानी ये दो हैं, एक ऐवान ज़ेनी और एक ऐवान वाला। ऐवान ज़ेनी में ये बताया गया कि इसमें मुख्तलिफ इलाकों की आबादी के बुनियाद पर और ऐवान वाला में सूबों या अकालियों को मसावी नुमाइंदगी दी जाती है। नेक्स्ट में हमारे पास है वफाकी तर्ज़ हुकूमत की खूबियाँ। आइए देखते हैं कि कौन से पॉइंट जो इसकी खूबियों में इजाफा कर रहे हैं। सबसे पहले है बड़ी रियासतों के लिए मौसम। वफाकी हुकूमत बड़ी रियासतों के लिए ज़्यादा मौसम है। इस तर्ज़ हुकूमत में कई अकालियाँ होती हैं जो बखूबी इलाकाई मसाइल हल कर सकती हैं, जहाँ लोगों में लसानी मजहबी सकाफती या नस्ली इख्तलाफात मौजूद हो वहाँ वफाकी निज़ाम ही बेहतर रहता है। नेक्स्ट में हमारे पास है अखराजात में बचत। अखराजात के लिहाज से भी वफाक काफ़ी सूदमंद है। क्यों देखें, क्योंकि ये छोटी छोटी रियासतें मिलकर एक वफाक बनाती हैं जहाँ इनके अखराजात कम हो जाते हैं। मसलन पाकिस्तानी वफाक का एक सफीर अमेरिका में है, लेकिन अगर वफाक ना हो तो चारों सूबों को अपना अलहदा अलहदा सफीर अमेरिका में मुकर्रर करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में अखराजात चार गुना ज़्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट में हमारे पास है मजबूत रियासत। वफाक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें शामिल होकर छोटी और कमज़ोर रियासतें भी ताकतवर बन जाती हैं। मौजूदा दौर की आलमी सियासत में छोटी और कमज़ोर रियासतों के हकूक की कोई परवाह नहीं की जाती, इसलिए ऐसी रियासतों के लिए ज़रूरी है
कि वो बैरूनी हमलों से तहफ़ुज़ के लिए आपस में मुतहिद हो जाएं। इसका एक मुस्बत पहलू ये भी है कि छोटी रियासतें वफाक के लिए मुतहिद और मजबूत बनकर अमन आलम की राह हमवार करें। नेक्स्ट में हमारे पास है अस्तबदादियत की नफी। वफाकी हुकूमत मुतदकर अनानियत नौकरशाही और अस्तबदादियत के रुझान का सदभाव करती हैं। आयन तहरीरी और उस्तवार होता है, यानी इसमें आयन तहरीरी भी होता है और उस्तवार, और इसके लिए हर दो तरह की हुकूमतों के अख्तियार फ्राई और दायरा का मुतवैन होता है। ये दोनों हुकूमतें एक दूसरे पर कड़ी नज़र रखती हैं, यानी एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा नज़र रखती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सियासी सूझबूझ में इजाफा। वफाकी तर्ज हुकूमत में दोहरा निज़ाम होता है, मकामी हलियत के मसाइल मकामी हुकूमतों के सुपुर्द होते हैं, आवाम को मुकामी मसाइल में दिलचस्पी लेने का मौका मिलता है और इनको अपनी सलाहियतें उजागर करने के काफ़ी मौका हासिल होते हैं। नेक्स्ट में है तजर्बात के मौका। वफाकी तर्ज हुकूमत में अकाइयों को इंतजामी और सियासी तजर्बात करने के बेहतरीन मौका मिलते हैं। इसमें माहरीन जो हैं लॉर्डर्स वो क्या कहते हैं, उनका कहना है वफाकियत मकामी कानून साजी और नज़्म व नसब में तजर्बात की इजाज़त देती है, जो अगर सारे मुल्क में भी किए जाए तो इसके ख़तरनाक नतायज साबित हो सकते हैं, जबकि वफाकी हुकूमत में इनका असर सिर्फ खास इलाके पर पड़ता है। नेक्स्ट में हमारे पास है आलमी रियासत का क्याम। बाज़ मुफक्किरीन का ख्याल है कि वफाक के असूल पर आलमी रियासत के क्याम का ख्वाब हकीकत में बदला जा सकता है। ऐसी रियासत की मुश्तरका हुकूमत दुनिया के मुख्तलिफ रियासतों के मुश्तरका मसाइल को हल कर सकती हैं, जबकि दाखिली तौर पर ये तमाम रियासतें खुद मख्तार हैसियत से मालिक होंगी और ये वहदानी निज़ाम के तहत इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जैसा कि इसकी खूबियों में हम पढ़ चुके हैं कि बहुत बड़ी रियासतों के लिए मौजूद होती है, अखराजात में बचत होती है, तकसीम इख्तियारात। और नेक्स्ट में है हमारे पास नीम वफा। चले आए इसको डिस्कस करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके बारे में तो समझ चुके हैं। अब जो ज़रूरत महसूस हो रही है वो ये है इस क्वेश्चन में कि नीम वफाक क्या होता है। वफाक और नीम वफाक या कॉन्फेडरेशन दोनों अल्फाज का मादा एक ही लफ्ज़ है। बाज़ अवकात इन दोनों को एक ही मायने में इस्तेमाल किया जाता है, ताहम नीम वफाक और वफाक बुनियादी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नीम वफाक चंद आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतों का इतिहाद होता है, ये इतिहाद आर्जी होता है और इस इतिहाद का मकसद सिर्फ ये होता है कि चंद एक मुश्तरक मसाइल को मुख्तलिफ ममालिक मिलकर हल कर लें। अब इसी में नेक्स्ट जो है हम क्या बता रहे हैं, ओपनहाइमर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो अपनी राय से हमें क्या बता रहे हैं। नीम वफाक चंद आज़ाद रियासतों पर मुश्तमिल तो होता है, लेकिन ये अपनी दाखिली और खारजी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए एक माहदे के रूप से एक इतिहाद कायम करती हैं, जिनकी अपनी तंजीम होती है, जिनका ताल्लुक शहरियों के बजाय रुकन रियासत से होता है। अब नेक्स्ट में जो है हमारे पास वो है वफाक और नीम वफाक में फ़र्क। अभी जो हमने पढ़ा है वो था नीम वफाक, अब देखें वफाक क्या है और नीम वफाक क्या है। चले आइए इसमें डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं इसको। नीम वफाक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतों का ऐसा मजमुआ होता है जिसमें रियासतें अपने इक्तदारे आला से महरूम नहीं होती। फ्रेंड्स, यहाँ ये गौर करने की ज़रूरत है हमें कि नीम वफाक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतों का ऐसा मजमुआ होता है जिसमें रियासतें अपने इक्तदारे आला से महरूम नहीं होती, जबकि वफाक में शामिल होने वाली रियासतों की अपनी इंफरादी रियासती हैसियत ख़त्म हो जाती है और एक नई रियासत को जन्म देती हैं जिसके पास इक्तदारे आला होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको समझते हैं। यानी वफाक मुस्तकिल नौईयत का इतिहाद है, इसमें शामिल इकाइयों को अलहदगी अख्तियार करने का कानूनी हक नहीं होता, मगर नीम वफाकी इतिहाद बिल्कुल आर्जी और मखसूस अरसा के लिए होता है। नीम वफाक में शामिल रियासतें जब चाहें इस इतिहाद को खैरबाद कह सकती हैं। नेक्स्ट में है वफाक में मरकजी हुकूमत का ताल्लुक बराह रास्त मुल्क के तमाम शहरियों से होता है। नीम वफाक में मुश्तरका तंजीम या हुकूमत रियासत की हुकूमत से वास्ता रखती है और इसका ताल्लुक शहरियों से नहीं होता। नेक्स्ट में है वफाक में शामिल अकाइयों के दरमियान जंग छिड़ जाए तो इसे खाना जंगी तस्वर किया जाता है,
अगर नींबू फाक में शामिल रियासतों के दरमियान जंग छिड़ जाए तो इसे बैन अक्वामी जंग कहते हैं, क्योंकि वो आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्कों के दरमियान हो रही होती है। नेक्स्ट में है वफाक की मरकजी हुकूमत आयन के तहत कवानीन को वाजा करती है और ये कवानीन को वाजा करने का अख्तियार इसके पास नहीं होता, जबकि ये सिफारशात पेश कर सकती है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। शुक्रिया।